हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सोनू, आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेकर आई हूँ फाउंडेशन के बारे में। स्विस ब्यूटी ने हाल ही में काफ़ी सारे फाउंडेशन लॉन्च किए हैं, सो हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता होगा कि कौन सा फाउंडेशन अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा कब किस यूज़ करना चाहिए। सो वो आज डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए ये पर्टिकुलर स्विस ब्यूटी की फाउंडेशन की रिव्यूज़ लेकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, पहले फाउंडेशन के बारे में जो बात करना चाहूँगी वो है इनका फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन फाउंडेशन। ये कुछ ट्यूब काइंड ऑफ पैकेजिंग आती है, इस तरह की इसका पैकेजिंग है। सो अबाउट द फॉर्मूला इसका बहुत ही लाइट वेट है, तो ये फाउंडेशन आपको तब काम लगेगा इज अ डेली वेयर के लिए। लाइक आपको डेली वेयर लगाना हो, अच्छा से ज़्यादा फाउंडेशन नहीं चाहिए, एवरीडे यूज़ के लिए ये वाला इनका जो फाउंडेशन है काफ़ी अच्छा है। इनके प्राइस शेड्स मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, सो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब बात करूँ इनका जो ये फर्स्ट फाउंडेशन है, ये इनकी रेंज का सबसे लाइट वेट वाला फाउंडेशन है। डेली वेयर के लिए ये आपको ज़्यादा कवरेज नहीं देता, बट डेली यूज़ के लिए एज अ ग्लो काफ़ी हाइड्रेट फाउंडेशन है। ये मैटिफाइड नहीं करता है, अच्छा खासा फ्लॉलेस बेस फेस पे देता है, ग्लॉसी लुक देता है, जिससे आपकी स्किन बहुत हेल्दी दिखती है। तो ये फाउंडेशन मैं डेली वेयर के लिए रिकमेंड करना चाहूँ। सेकेंड, इन्होंने जो फाउंडेशन लॉन्च किया था वो इनका है इंस्टेंट कवर पैन स्टिक। इट्स अ स्टिक फॉर्म में है, काफ़ी इस तरह का स्टिक फॉर्म वाला इनका जो फाउंडेशन इन्होंने लॉन्च किया है, काफ़ी टाइनी क्यूट पैकेजिंग के साथ में इन्होंने ये लॉन्च किया। सो ये स्टिक फॉर्म में है, तो बेसिकली ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये एवरीडे एंड ट्रैवल फ्रेंडली बहुत है। फॉर्मूला इज़ ईजीली टू ग्लाइड है, अच्छा खासा आपको कवरेज देता है, बहुत मक्खन की तरह फेस पे ग्लाइड हो जाता है। फर्स्ट जब मैंने इसे अप्लाई किया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे परचेस करके यूज़ किया था, तब मुझे ये बहुत पसंद आया था। मतलब बहुत लाइट वेट फेस पे अगर कुछ चाहिए, मतलब जो इनका मैंने ये फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन वाला फाउंडेशन से लिटिल बिट आपको ज़्यादा अगर कवरेज चाहिए तो आप ये स्टिक वाला यूज़ कर सकते हो। प्राइस के अकॉर्डिंग, पैकेजिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, आप इसे ईजी टू कैरी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ब्लेंडेबल है। तो ये वाला स्टिक फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी अगेन आपको एवरीडे के लिए काफ़ी अच्छा है, फंक्शन में यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन इवन टोन है, आपको ज़्यादा कुछ नीड नहीं है फेस पे पिगमेंटेशन या पिंपल्स की प्रॉब्लम, तो आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो। काफ़ी अच्छा नेचुरल बेस फेस पे लगता है, सो आई रियली लाइक इट इस सेकेंड वन। थर्ड फाउंडेशन उन्होंने काफ़ी अमेजिंग लॉन्च किया है, वो इनका ये स्विस ब्यूटी कवर एंड ब्लेंड फाउंडेशन स्टिक। अगेन ये स्टिक के बाद में इनका ये वाला स्टिक आता है। सो गाइस, मैं जो बता रही हूँ ना, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक शेयर कवरेज टू हाई कवरेज तक जाएगा। तो फर्स्ट मैंने जब फ्लॉलेस फेस दिखाया, सो एवरीडे के लिए काफ़ी लाइट वेट हो गया, यूज़ कर सकते हो। सेकंड, इनका जो पैन स्टिक था वो उससे हल्का कवरेज दे सकता है, तो ये भी आप एवरीडे के लिए यूज़ कर सकते हो। नाउ इनका जो ये कवर और ब्लेंड ये वाला स्टिक वाला जो यूज़ किया ना, सो ये फॉर्मूला उस वाले से भी ज़्यादा बेटर है, ईजी टू ग्लाइड एवरी स्किन टोन के लिए। एंड इवन आपको ये जो कवरेज भी है वो अच्छा खासा मीडियम कवरेज देता है, लाइक अच्छा खासा फेस पे से इवन आउट आपको फेस को बेस को बना देगा, पिंपल्स मार्क्स सबको ये अच्छा खासा हाइड कर देता है। एंड प्लस पॉइंट के इसके साथ में ये टाइनी सा काफ़ी अच्छा ब्रश भी दे रखा है, सो ब्लेंडिंग के मामले में तो ये काफ़ी अच्छा है, अच्छा खासा आपको लॉन्ग लास्टिंग है, एवरी स्किन टोन के लिए चलेगा वो। अगर मीडियम लाइक ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सारे स्किन पे ये सूट हो जाता है। बेसिकली ये आपको विंटर्स में ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी समर्स में थोड़ा सा ऑयली स्किन या पसीना की वजह से थोड़ा सा केकी बन जाता है, बट इट्स ओके। हम इसे बेस अगर अच्छे से आप लूज पाउडर से सेट करोगे ना, तो ये अपना काम बहुत अच्छा करता है। सो अगेन, इनका ये जो स्टिक वाला फाउंडेशन है, ब्लेंडिंग के मामले में, कवरेज के मामले में ये काफ़ी अच्छा है। तो इसे आप डेली वेयर तो नहीं, बट फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको जब अच्छा खासा आपको फेस बनाना है, बेस बनाना है, या मैरिज पार्टी या समथिंग कुछ स्पेशल ओकेजन पे आपको लगाना है, तो ये वाला स्टिक वाला मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। सो गाइस, अब हम बात करते हैं फोर्थ फाउंडेशन की, जो इस रेंज में मेरा पर्सनली काफ़ी फेवरेट फाउंडेशन है, वो ये इनका लिक्विड बेस। नाम है एयरब्रश फिनिश फुल कवरेज फाउंडेशन। ये फाउंडेशन मैंने अभी भी फेस पे बेस बनाया है, इसी फाउंडेशन बनाया है, एंड मैं जनरली यही वाला मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बिकॉज ऑफ इसका कवरेज एंड फिनिश ऑसम टाइम काइंड ऑफ है। लाइक ये आपको लिक्विड फॉर्म में है, बहुत अच्छे से फेस पे बहुत लाइट वेट हल्का नेचर फील होता है। एट द सेम टाइम आपको ये अच्छा खासा कवरेज एंड फिनिश भी देता है, जरा भी फेस पे लगता नहीं है कि आपने कोई हैवी फाउंडेशन लगाया है। एंड अगेन आपको अच्छी खासी कवरेज देता है फेस पे, स्किन को बहुत ही अच्छे से इवन आउट कर देता है, एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी चलता है।
तो ये वाला फाउंडेशन मुझे इस सारे रेंज में से काफ़ी पसंद है। इसे आप एवरीडे यूज़ करो या हाई कवरेज के लिए यूज़ करो, ये फाउंडेशन अपना काम बहुत अच्छे से करता है। इसे अगर आप अच्छे से लूज पाउडर से सेट कर दो ना गाइस, तो काफ़ी अच्छा मेट बेस भी बन जाता है। अगर आप कम करोगे तो अच्छा खासा ग्लोसी हाइड्रेट फाउंडेशन है, जरा भी स्किन को हैवी फील नहीं करता। तो ये वाला फाउंडेशन मेरा अभी तक का सबसे पर्सनल फेवरेट है। सो ये वाला फाउंडेशन आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। शेड रेंज भी काफ़ी अच्छी है इनकी, तो ईजीली आप अपने शेड फाइंड आउट करके ले सकते हो। दूसरा कुछ यूज़ करो ना करो गाइस, ये वाला आप डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हो। आई श्योरली कि आपको ये फाउंडेशन ज़रूर पसंद आएगा गाइस। अब इस रेंज की हम लास्ट फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं, जो इन्होंने बहुत पहले लॉन्च की थी। ये इनका है स्टूडियो फिनिश फुल कवरेज फाउंडेशन। सो गाइस, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे परचेस किया था एंड अप्लाई किया था ना, सो मुझे ये फाउंडेशन लगाने के बाद मुझे मेबलिन के फाउंडेशन की पूरी कंपेरिजन में ये मिला। मतलब इतने अच्छा फेस पे कवरेज देता था, बहुत फेस पे हेवी कवरेज देता है। लाइक आपको फुल्ली कवरेज वाला फाउंडेशन अगर स्विस ब्यूटी में चाहिए तो बस ये वाला फाउंडेशन वो पूरा काम कर देता है। अच्छे से अच्छा वाला पिगमेंटेशन ये कवर कर देता है, काफ़ी अच्छा फेस को बेस बना देता है, इवन फ्लॉलेस बना देता है। स्किन पे काफ़ी हाइड्रेट रहता है, काफ़ी लाइट वेट रहता है। पर हाँ, कवरेज के मामले में ये हाई देने से आपको थोड़ा सा फेस पे लाइक दिखता है कि हाँ फाउंडेशन आपने कुछ अप्लाई किया है। लाइक ये वाले फाउंडेशन में ये फील होता है, बाकी सब फाउंडेशन में थोड़ा नेचुरल फील होता है कि मतलब ठीक है अच्छा बहुत कम क्वांटिटी में लगाया तो स्किन नेचुरल लगती है। बट ये वाला फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हो, हैवी फॉर्मूला की वजह से ये आपके फेस पे थोड़ा दिखता है कि आपने कुछ हैवी फाउंडेशन अप्लाई किया है। बट एट द सेम टाइम मेबलिन की तरह ये आपको एकदम ड्राई आउट नहीं करता है, एकदम स्किन को मेटिफाइड नहीं करता है, हाइड्रेट रखता है, लाइट वेट रखता है एंड उसके साथ में ये फुल कवरेज भी देता है। सो स्टार्टिंग में मुझे ये पसंद आया था, बट इनके जो न्यूली लॉन्च होते गए सो मुझे ये वाला फाउंडेशन मेरा ज़्यादा पसंद हो गया, क्योंकि ये आपको काफ़ी नेचुरल वाला देता है एंड ये आपको फुल कवरेज देता है। तो फुल कवरेज के मामले में इस रेंज में ये वाला फाउंडेशन के टक्कर में कोई नहीं है। तो जब आपको उस हिसाब से फाउंडेशन चाहिए तो आप ये वाला यूज़ करिएगा। ये आपको डेली वेयर के लिए यूज़फुल इतना नहीं होगा क्योंकि ये बहुत हाईली कवरेज है, तो आप इसे एज अ फंक्शन या मैरिज पार्टी वगैरह में ही आप इसे यूज़ कर पाओगे। तो वही चीज़ सोच के आप इसे परचेस कीजिएगा। अदरवाइज आपको अगर डेली चाहिए या टू इन टाइप का चाहिए तो आप ये वाला फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्टिक के बहुत काफ़ी फैन है तो ये स्टिक फाउंडेशन आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। अगर इसमें मैं दोनों में बताऊँ तो ये वाला स्टिक काफ़ी अच्छा है इसके कंपेयर में, पर आप अपने प्राइस एंड चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। सभी फाउंडेशन की प्राइस डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप अपने बजट के हिसाब से फाउंडेशन ले सकते हो। बाकी अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हो तो ये सारे ही फाउंडेशन गाइस काफ़ी अच्छे हैं। कोई भी फाउंडेशन से मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कि इसका फॉर्मूला नहीं है अच्छा। ये फाउंडेशन में से आप कोई भी अपने पर्पज़ के हिसाब से फाउंडेशन ले सकते हो। यू आर डेफिनेटली लाइक दिस फाउंडेशन। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अभी तक मेरा ये वीडियोज़ देखा है, ये रिव्यूज़ आपने सुना है, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं आपको। और अगर आपको पूरी वीडियो पसंद आई हो तो उसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ में। बाय।